जनपद संभल में मुजम्मिल निवासी रुस्तम नगर सहसपुर कोतवाली बिलारी बहुजोई के कस्बे में कपड़े की फेरी करने आया था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। पीड़ित मुजम्मिल तेजाब के हमले से तुरंत जमीन पर गिर गया और आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। मोहल्ला वासियों की मदद से मुजम्मिल को जिला सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मुजम्मिल की हालत गंभीर देख उसको रेफर कर दिया। वहीं मुजम्मिल का आरोप है कि उसकी रंजिश उसके अपने सालों यासीन सलीम से ही काफी वक्त से चल रही है। यासीन व उसका भाई सलीम बाइक पर सवार होकर आए और दरी चादर ग्राहक को दिखा रहे मुजम्मिल के ऊपर एसिड डालकर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी उसके ऊपर किसी ने कुछ गर्म चीज डाली है, हो सकता है वो तेजाब भी हो, लक्षण उसके तेजाब के ही लग रहे हैं। उसके ऊपर पूरा कंधे पे, छाती पे, आगे पीछे और पूरे दाहिने हाथ के ऊपर पूरा लाल निशान है, पूरा जगह जगह छाले भी है, हो सकता है तेजाब भी हो। उसकी व्यवस्था जो भी अभी उसकी हालत है, अभी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस स्टेट दे दिया है। अगर उसकी गंभीर अगर आरत लगती है तो उस पर किसने डाला था? मोहम्मद यासिन ने डाला। क्यों डाला था तेजाब? यासिन को मुझे डाले, वो तो मेरे सामने से आए, बस मैं तो गाड़ी पे चिलवाड़ मेरे हाथ में था, एकदम उन्होंने डिब्बा था, एक डिब्बे डांट को लेकर तो डाला, मैं गाड़ी लेकर एकदम गिर गया, मैं गाड़ी पे सवार था। क्या विवाद चल रहा है उसे तुम्हारे ससुराल से? नहीं जी, बीबी को रुकाए हुए हैं, वो कदमा मेरे चल गया और उससे पहले मैंने पैसे थे कुछ, इस वजह से मेरी बीबी को रुका लिया था। किस जगह पे की घटना है ये? नई बेजुई की घटना है, लेन पार करके थोड़ी सी। आप बेजुई में क्या करने आए थे? मैं फेरी करने आया था, साफ सफल से फेरी करता हुआ इधर आ रहा था मैं। अच्छा, चतुर्थी होता हुआ। आप रहने वाले कहाँ के? मैं रुस्तम नगर सेसपुर। अच्छा, जो एक युवक के ऊपर तेजाब फेंका गया है, वो पूरा मामला क्या है सर? ये है मुजम्मिल अली सनो अख्तर अली, जो गढ़ी और गढ़ी सैदपुर बिलारी के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर तेजाब यासीन सनोफ सलीम नखाता थाने के रहने वाले हैं, जिन्होंने तेजाब डाल दिया है, उसके कमर के नीचे हिस्सा जल गया है और जो मुरादाबाद के लिए रेफर हो गया है, और उनके जो मुजम्मिल अली भाई है जाकिर अली, उन्होंने तहरीर दी है यासीन और सलीम के खिलाफ, शीघ्र गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाएगा।